नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कौन सा रूट स्टॉक्स आपने हाई डेंसिटी प्लांटेशन में लगाना है और कौन से रूट स्टॉक्स के लिए कितने डिस्टेंस रखनी है। अब सबसे छोटा रूट स्टॉक्स जो आज के टाइम में हम हिमाचल में यूज़ कर रहे हैं वो है M7 और M9, 111 और 106। तो ये जो अलग अलग रूट स्टॉक्स हैं इस पे हमने कितने कितने डिस्टेंस पे पौधे लगाने हैं आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और इसके साथ हमने वैराइटीज लगानी है, जो भी एस्पर टाइप वैराइटीज हैं, हमारी सुपर चीफ है, जितनी भी रेड विलॉक्स हैं और आपकी जो है रेड कैप वोल्टेड हैं, जो भी इस तरह की नई वैराइटीज़ हैं, जेरोमाइन वगैरह हैं, उनको कितने डिस्टेंस पे आपने लगाना है। अगर आप M9 रूट स्टॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए प्लांट टू प्लांट 1 मीटर और रो टू रो 2.5 मीटर, मतलब 2.5 मीटर के हिसाब से रखनी है। अगर आप 106 यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपने जो है प्लांट टू प्लांट 1.5 मीटर और रो टू रो जो है आपने 2.5 मीटर ही रखना है। अगर आप 111 से रूट स्टॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपने प्लांट टू प्लांट 2 मीटर और रो टू रो 3 मीटर के डिस्टेंस के हिसाब से जो है हाई डेंसिटी लगानी है। और जब आप हाई डेंसिटी लगाएंगे, इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि आपने ट्रेनिंग सिस्टम जो है, जो हम टॉल स्पिंडल की बात करते हैं हमेशा, वो टॉल स्पिंडल सिस्टम बनाना है, तभी आप उस तरह के पौधे को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं तो जो है फिर आप जो है उसको नहीं दिखा पाएंगे। जिस तरीके से ये हमारे सिस्टम्स हैं, ये टॉल स्पिंडल सिस्टम में है, इसी सिस्टम में आप जो है इस पौधे को जो है मेंटेन कर सकते हैं। नहीं तो पौधा जो है बहुत बड़ा हो जाता है, और मैंने वीडियोस पहले भी बनाई है टॉल स्पिंडल सिस्टम कैसा होता है, कैसा दिखता है, तो बताया भी है कैसे बनाना है। तो इस तरीके से आप जो हैं इस रूट स्टॉक्स के हिसाब से और अपने अपने डेंसिटी के हिसाब से जो है प्लांटेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।